कानपुर और झांसी के बाद अब बारी है प्रयागराज की। रविवार यानी कि 31 अक्टूबर शाम 3:30 बजे से एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में होगा द लल्लन टॉप अड्डा। अड्डे में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। हमारे मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से आपके भी कुछ सवाल हैं तो पूछिए कूपर द लल्लन टॉप के अकाउंट @द लल्लन टॉप पर। आपका नाम और सवाल हम अड्डे पर पूछेंगे। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सामने आया है। सबसे पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। वो 2 करोड़ लोग एक साल में नौकरी पाने की आस में आज की तारीख में बैठे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, आप देख सकते हैं पेट्रोल के, डीजल के, खाद्य तेल के, लोहे के, सीमेंट के क्या भाव हो गए हैं। आम आदमी का जीना दूभर हो गया। ओ पुसाराम जी, ये सबसे मोटी कमी आप में, इसीलिए दिक्कत आ रही है आज तक। ये कोई बात होती है क्या? मैं बोल रहा हूँ, आप भाषण ठोक रहे हैं। फिर क्या अनुशासन रहा, क्या सिखाओगे दूसरों को? इस वीडियो में वे कांग्रेस पार्टी के ही एक सीनियर नेता को मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डांट रहे हैं। अपने भाषण के बीच में उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। मंत्री जिनको खरी खोटी सुना रहे हैं वे रतनगढ़ क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पुसाराम गोदारा हैं। सामने आया वीडियो राजस्थान के चुरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा के कातर छोटी गांव का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 अक्टूबर को एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे। मौके पर शिक्षा मंत्री भी थे। शिक्षा मंत्री मंच से महंगाई को लेकर भाषण दे रहे थे, तभी पुसाराम मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री से किसी मुद्दे पर बात करने लगते हैं। ये बात शिक्षा मंत्री को ठीक नहीं लगी और वे भीड़ के सामने ही पुसाराम गोदारा को डांटने लगे। मंत्री कहते हैं, ओ पुसाराम जी, ये सबसे मोटी कमी है आप में, इसलिए दिक्कत आ रही है आज तक। ये कोई बात होती है क्या? मैं बोल रहा हूँ और आप भाषण टोक रहे हैं यहाँ। फिर क्या अनुशासन रहा, क्या सिखाओगे दूसरों को? मंत्री के इतना बोलते ही पुसाराम मंच से चले जाते हैं। शिक्षा मंत्री जिन पुसाराम को सरेआम डांट रहे हैं, वो पुसाराम गोदारा चुरू की रतनगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं। साल 2018 में वे भाजपा के अभिनेश महर्षि से 11,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। साल 2013 में उन्हें भाजपा के राजकुमार रनवा के हाथों 25,000 से अधिक वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद लोग मंत्री जी को बुजुर्गों से बेहतर व्यवहार करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि अब तक इस पर किसी भी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब आप कुछ ट्वीट्स देखिए। वहीं एक यूजर ने शिक्षा मंत्री को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह भी दे दी। इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के 14 जिलों में किसानों को दिन में भी बिजली दी है। आगामी 1.5 साल में पूरे प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। हमने प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिए हैं। पूरे प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है। गहलोत ने कहा कि अपनी भूमि को दान करने वाला बहुत बड़ा आदमी होता है, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। राठौड़ ने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दीपेंद्र ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।